एक गरीब का बेटा कैसे अमीर हो रहा है, क्या करता है वो, कैसे पैसे कमाता है 100 रुपए से और वो लखपति बनता है। ये बात मैं आज आपको समझा रहा हूं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरे बात को गौर से सुनिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को जितना ध्यान से आप देखेंगे आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे और एक छोटा सा बढ़िया सा बिजनेस कर पाएंगे। रोज का 2000 रुपया आप स्टार्ट कर सकते हैं कमाना। जी हाँ, गरीब खोल सकता है इसको। क्या करना है मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। एक गरीब का बेटा है जो 100 रुपए उसके माँ बाप देते हैं, क्या करने के लिए, मेला करने के लिए। मेला समझते हैं, गांव में मेला लगता है। वो मेला में जाता है तो 100 रुपए लेके जाता है और सोचता है कि मैं क्या खरीदूं। देखिए, वो जो लड़का है पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, उतना ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको ये लगता है कि मैं किसी भी तरीके से मैं अपने घर का जो समस्या है, खाने का समस्या है या फिर जो भी समस्या है, दवाई का समस्या है, मैं उसको समाधान कर दूं, मैं अपने छोटे भाई को कैसे करके पढ़ाऊं, क्या करूं मैं। तो उसका दिमाग इसमें लगता है, समस्या को समाधान करने में, घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और वो 100 रुपये लेकर के और जाता है और जा करके दिमाग लगाता है कि क्या करें। उस 100 रुपये में 2 टी-शर्ट खरीदता है। क्या? 2 टी-शर्ट। किसी भी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके दुकानदार से 100 रुपये में टी-शर्ट खरीद लेता है, 2 पीस, ठीक है। और 2 पीस टी-शर्ट खरीद करके लाता है और ला करके उसको गांव में घूम करके ज्यादा नहीं 75-75 रुपये में, 2 टी-शर्ट यानी 50 रुपये में उसको खरीदारी पड़ी है और 75 रुपये में वो बेच रहा है, यानी कि 25 रुपये वो क्या कमा रहा है, मुनाफा। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की है और इस सूत्र से आप भी कुछ कर सकते हैं। आप भी महीने का 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं, रोज का 2,000, 1,200, 1,500 कमा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, अब उसने क्या किया, 50 रुपये का टी शर्ट खरीदा, 75 में सेल किया, 25 रुपये उसको मुनाफा मिला, ठीक है। और उसने 2 टी-शर्ट खरीदा था यानी कि 25 रुपये और मिला था, यानी 50 रुपये उसका मुनाफा हो गया और प्लस 100 रुपया उसका मूलधन हो गया, यानी कि उसके पास टोटल 150 रुपये हो गए, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे हैं। अब वो फिर अगले दिन क्या करता है कि 150 रुपये लेके जाता है उसी दुकानदार के पास और बोलता है कि मैं रोज खरीदूंगा आपके पास टी शर्ट, मुझे रोज टी शर्ट चाहिए। और ये जो दुकानदार है ये 40 रुपये में खरीद के लाया होता है और इस बंदे को 50 रुपये में देता है, यानी कि 150 में इसको 3 पीस मिल जाता है टी शर्ट का और 3 पीस ला करके, ठीक है, और इसको सेल करता है। हर टी शर्ट में 25-25 रुपये कमाता है, 75 रुपये ये हो जाता है और प्लस 150 रुपये ये हो जाता है, ठीक है, यानी कि 225 रुपये इसके पास हो जाते हैं तीसरे दिन, 225 रुपये मूलधन और मुनाफा। अब आप कहेंगे क्या ये पैसे खाता नहीं था, क्या इस पैसे में से खर्च नहीं करता? मैं कहता हूं नहीं, इसने अपना टारगेट सेट कर रखा था कि मुझे किसी भी तरीके से टी शर्ट खरीद करके बेचने हैं, क्योंकि इसको एक टी शर्ट बेचने पे 25 रुपये का मुनाफा मिल रहा था, समझ रहे हैं। देखिए, अब ये क्या करता है, तीसरे दिन फिर जाता है और 225 रुपये का टी शर्ट खरीद के लाता है जिसमें इसको 4 टी-शर्ट, ठीक है, 4 टी-शर्ट मिलते हैं और 4 टी-शर्ट बेचता है और जो 25 रुपया है वो अलग साइड में रखता है, लेकिन 4 टी-शर्ट ये खरीदता है। 4 टी-शर्ट खरीदने में इसको 100 रुपये का मुनाफा होता है और प्लस 200 रुपये इसके मूलधन होते हैं, यानी इसके पास 300 रुपये हो जाते हैं, 300 रुपये। इसी तरीके से 300 का टी-शर्ट खरीदता है, 400 का टी-शर्ट खरीदता है, 500 खरीदता है, 700, 800, 1,000 रुपये तक पहुंचता है। जब 1,000 रुपये का टी-शर्ट खरीदता है तब ये क्या करता है, एक लड़का रखता है, एक व्यक्ति रखता है अपने साथ में, क्योंकि इसके जैसे बेरोजगार, इसके जैसे गरीब इसके आसपास मोहल्ले में बहुत सारे लड़के होते हैं। एक लड़का जो थोड़ा समझदार है उसको ये पकड़ता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो और तेरे को इस तरीके से करना है। वो लड़का तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद उस मतलब 1,000 का टी शर्ट खरीदता है, ठीक है, 20 पीस, और 10-10 पीस आपस में बांट लेते हैं, 10 पीस वो लेता है, 10 पीस ये लेता है। इस बंदे को जो दूसरा बंदा है उसको बोलता है कि मुझे 25 रुपये कमाई होती है, मैं तेरे को इसमें से 15 रुपये दूंगा, टी शर्ट लाना मेरा काम है, बेचना तेरा काम है, एक टी शर्ट बेचेगा 15 रुपये तू मतलब कमाएगा। अब ये 10 टी-शर्ट बेचता है यानी 150 रुपये उसको देता है, 100 रुपये ये खुद रखता है, ठीक है, और प्लस
अपना जो ये बेच रहा है ना, ये 10 पीस जो अपना बेच रहा है, ये 250 रुपये, 250 रुपये इसका मुनाफा है, यानी कि 350 रुपये, ये 350 रुपये इसका मुनाफा मिलता है, और प्लस 1000 रुपये जो इसका लगा था मूलधन, वो मतलब टोटल इसके पास 1350 रुपये हो जाते हैं। ऐसे है, ये क्या करता है कि एक और लड़का रखता है और एक और रखता है, एक और लड़का रखता है, तीन लड़के रख लेता है और तीनों को 10 10 पीस ऐसे करके 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके टी शर्ट दे देता है, और एक व्यक्ति से ये ज्यादा नहीं 100 रुपये प्लस 100 रुपये और प्लस 100 रुपये इतना रुपए ले लिया करता है, और बस इसका काम यही होता है कि टी शर्ट ला करके इसको देना है। अब ये टी शर्ट कहाँ मिलता है, ये लड़का का काम है जो पहले स्टार्ट किया था, उस लड़के का काम है, उस गरीब लड़के का काम है कि टी शर्ट कहाँ मिलता है, कहाँ से लाएगा और कैसे करके इन तीन लड़कों को देगा। और ये तीन लड़के भी खुश होकर काम करते हैं क्योंकि 150 रुपये इनको मिल जाता है, 150 रुपये इनको बहुत आराम से मिल जाता है, जो कि घर में बेरोजगारी और गरीबी के दलदल में फंसे थे, और इनको आज 150 रुपये इस व्यक्ति के द्वारा कमाने को मिल रहा है। ये लड़का इन तीनों में समझदार था, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक गरीब परिवार में रह करके ये काम शुरू किया था और रोज का 300 रुपये आराम से कमाता है, और जो 25 25 रुपये बच रहे थे शुरुआती दिन में, उसको इकट्ठा करके इसके पास 1000 रुपये हो जाते हैं। जब 1000 रुपये हो जाते हैं तो 1000 रुपये को ये लगाता है काम पे, क्या काम पे, 1000 रुपये को ये लगाता है क्या, इस टी शर्ट के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गमछा होता है, अंडरवियर होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये भी साथ में लेता है और इन बच्चों को बांटता है। इसका डेली का जो आमदनी है ना, वो 500 रुपये हो जाता है, देखते ही देखते एक महीना भी नहीं होता और डेली 500 रुपये ये कमाता है। इसका काम यही होता है कि ये माल ला करके घर में रख दे और जो सामने वाले लोग हैं, जो इसके साथ वाले लोग हैं, इसको सेल करें, ठीक है। और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको लग रहा होगा यार ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूं कुछ नहीं, करना भी आसान है, आप भी चाहे तो एक छोटे से काम को, अरे भैया आप छोटे से काम को आप कर सकते हैं और करके रुपया कमा सकते हैं। आज आप सोच रहे हैं कि पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या करें आखिर, मैं कहता हूं बहुत आसान है, अगर आप चाहें पैसे कमाना चाहते हैं तो ये सब जो काम मैं बता रहा हूं, 1 2 महीना 3 महीना ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद से आपकी लाइफ सेट है। अब देखिए क्या होता है, इसका जो 500 रुपये का आमदनी है वो रोज होते रहता है, लड़कों को काम पे लगा रखा है, और ये इसका काम है सुबह जाके माल आना, 10 बजे इस बंदों को दे देना, और देने के बाद ये फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब 10000 रुपया इसके पास जब हो जाते हैं इसका खुद का, है ना, देखिए जो इसका सिलसिला है वो चलते रहता है, लेकिन 10000 रुपया इसके पास हो जाता है तो ये क्या करता है, एक रेडी लगाता है, रेडी, ठीक है, एक रेडी लगाता है बर्गर का, है ना, और बर्गर का रेडी लगा करके रोज का वहां से 1000 रुपया कमाता है ना, बस 3 4 घंटा काम करता है शाम को। आप कहोगे 1000 रुपये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इतना कौन कमाता है, मैं कहता हूँ चल 1000 नहीं माना, मैं 500 रुपये मान लेता हूँ कि 500 रुपये तो कमाता है ना, लेकिन ये 1000 रुपये कमाता है, मैं 500 रुपये मान के चलता हूँ कि 500 रुपये कमाता है, इसका महीने का 15000 रुपया ये होता है, 15000 रुपया प्लस जो उधर से 500 500 आ रहा है, ठीक है, वो भी आ रहा है, यानी 15000 रुपये वो भी हो जाता है। अब इसके पास महीने के 30000 रुपया आमदनी होती है, लेकिन ये रुकता नहीं है, अभी भी ये दिमाग लगाया है। अब इसने क्या किया, जैसे इसके पास 2 3 महीने के बाद 1 लाख रुपया हो गए, ज्यादा नहीं 1 लाख रुपया हो गए, तो उस 1 लाख रुपये को लेकर के, है ना, इसने क्या किया कि एक गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने का जूस इसको बेचना प्रारंभ कर दिया, गन्ने का जूस। अब आप कहोगे गन्ने के जूस में क्या कमाई है, मैं कहता हूं बहुत कमाई है। जैसे मान लो अभी ये गर्मी का सीजन चल रहा है, इस व्यक्ति की मैं बातें सुना रहा हूं, लेकिन ये अपने आप पे भी लागू कीजिएगा, आप खुद सोच के देखिएगा, है ना, क्योंकि ये हर किसी पे लागू हो जाएगा। कोई भी गरीब यदि व्यक्ति है और वो पैसे कमाना चाहता है तो जिस मैं फार्मूला को बता रहा हूं, ये फार्मूला अपनाएगा, कुछ दिन के बाद वो महीने का 60000 50000 लिमिट नहीं है कितना रुपया कमाएगा, बहुत ज्यादा रुपया कमा सकता है। तो गन्ने का जूस ये बेचना शुरू करता है, 1 क्विंटल गन्ना, इसकी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 क्विंटल गन्ना इसको 300 रुपये में मिलती है, 300 रुपये, जबकि 1 क्विंटल गन्ना में लगभग 60 पीस होते हैं, ठीक है, मीडियम साइज का 60 पीस होते हैं, और एक गन्ने में कम से कम 3 से 4 गिलास जूस निकलता है। 1 गिलास की कीमत 10 रुपये होती है, ठीक है, और 4 गिलास यदि निकल रहा है तो 40 रुपये, मैं कहता हूँ 3 गिलास अगर निकल रहा है तो 30 रुपये इसको 1 गिलास से मिलता है, जबकि 300 में 60 पीस खरीदा है, यानी कि 6 5 30, 5 रुपये का 1 गन्ना पड़ता है, और वो 1 गन्ने में 30 रुपये की कमाई करता है।
अब 30 रुपए में उसके साथ गिलास है, नमक है, पुदीना है, बर्फ है, बहुत सारा खर्च है। तो मैं कहता हूं अगर 10 रुपए उस खर्च को भी निकाल देते हैं फिर भी 20 रुपए इसको मुनाफा होता है एक गन्ने से। एक गन्ने से 20 रुपए मुनाफा, यानी 60 गन्ना है, 60 गन्ने के हिसाब से 1200 रुपए मुनाफा होता है। एक क्विंटल में ये 1200 रुपए कमाता है। और मैं कहता हूं और भी दो डीजल पानी निकाल दो, सिर्फ 1000 रुपए ही मानते हो फिर भी एक एक 1000 रुपए आप यदि मानते हो तो एक क्विंटल में 1000 रुपए ये आराम से कमा लेता है। दिन भर में अगर 2 क्विंटल बेचता है तो 2000 रुपए इसके रोज की आमदनी होती है। क्या करता है, एक रेड़ी लेके जाता है और ला करके लोगों को जूस पिलाता है और उसी से रोज का 2000 कमा रहा है, महीने का 60000 रुपए कमा रहा है। और आपको और हमको लग रहा है अरे यार पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत कर, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इस व्यक्ति की तरह आप भी रुपए कमा सकते हैं। मैंने इतना देर जो कुछ भी समझाया, अगर एक कोई गरीब व्यक्ति है, लड़का है या बूढ़ा है, जवान है, जैसा भी इंसान है, अगर वो पैसे कमाना चाहता है तो इस फार्मूला को अपना ले और देखे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक परेशानी रहेगी, अगले नेक्स्ट 6 महीने के बाद उसको हर महीने के 50-60 हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे। जीरो से शुरू करके हीरो बनना है तो ये फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। आप सोचते हो कि आपको कोई बैकग्राउंड में कोई ऑटोमेटिक पैसा दे देगा, कहीं से पैसा आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्त। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहले 2-3 महीने आपको घिसना पिटना पड़ेगा, धूप में गर्मी में मेहनत करना पड़ेगा। जब आप महीने का 60000 रुपए कमा ले फिर कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और करो, आराम से बैठ करके पैसे कमाओ, बहुत सारा काम है इस दुनिया में। तो मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद।